नहीं देखो 5 फुट तो देखो आप कह रहे हो, अगर मान लो तो कोई छोटा सा भी सिक्का पड़ा हो, जितना छोटा भी कोई सिक्का हो और वो 2 फीट भी या 3 फीट भी हो तो बिल्कुल क्लियर बताएगा। नहीं ऐसा नहीं होता सर। देखो अगर 10 रुपए सिक्के के बताओ, अगर कोई मेटल है जमीन के अंदर रखा हुआ है, हेलो हाँ सर कहाँ पहुंचे हैं आप? ठीक 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 सर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय पासी और आप देख रहे हैं संजय पासी मेटल डिटेक्टर का चैनल। दोस्तों जो है आज हमारे पास एक कस्टमर आने वाले हैं प्रतापगढ़ से, जो कि आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, SS स्क्रीन डिटेक्टर इंडिया के नाम से हमारा चैनल है, उस पर हमने जो है इनका हमारे पास आए थे एक बार, काफी जो है इनके साथ डिस्कशन हमारा हुआ था मेटल डिटेक्टर्स के बारे में। तो आज जो है ये मशीन लेने आ रहे हैं और अभी भी जो है इनका एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इनका ये है दोस्तों कि सिंप्लेक्स प्लस मेटल डिटेक्टर और वैंकस 540, इन दोनों में से इनको कोई एक सा लेना है। तो देखते हैं इनको कौन सा मशीन लेना है कौन सा नहीं। आ रहे हैं अभी अभी कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद जो है पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर प्लान कर रहे हो मशीन खरीदने के लिए तो नंबर हमारा आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप अभी कॉल कर सकते हैं और जो भी मेटल लेना हो आप मंगा सकते हैं। तो भाई 1 घंटा हो गया है, दोबारा सर को कॉल कर लेते हैं। हेलो हाँ कहाँ पहुंच गए सर? अच्छा, आ जाइए। हाँ हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ। तो दोस्तों जो है वो आ चुके हैं और देखते हैं क्या बात होती है। आइए आइए सर, और कैसे हो आप? सर बड़ी धूल मट्टी है इधर तो। सर जी गर्मी है तो ठीक हो ना? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया जी। और सुनाइए, पानी लेंगे आप सर? हाँ सर पानी पिलाइए, पीजिए सर, नेचुरल बॉटल है। क्या आवास की बॉटल है? हाँ काफ़ी सुंदर बनी हुई है। और क्या, तो नेचुरल होती है, बॉडी को भी फायदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से कई सारे फायदे हैं सर, आप चाहो तो जाकर के गूगल पर सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद सर जी। और सुनाओ कैसे आना हुआ? बस सर उस दिन आपने समझाया तो समझ में तो काफी अच्छे से आया, बट क्या कहते हैं हेलमेट लग गई थी सर। लाइए ठीक सर, धन्यवाद, मेरा ध्यान नहीं था। ऐसा क्या, हमारे पिताजी भी शौकीन है इनके, तो आपने वीडियो यूट्यूब पर डाल दी वो? हाँ, तो आज भी सर कैमरा लगा रखा है। अच्छा तो, अच्छा अच्छा तो ये भी यूट्यूब पर डालोगे? ये भी डाल देंगे, सोचा कि आज भी लाओ आपके साथ शूट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो वीडियो हमारे पिताजी ने देखी तो उसमें आपने सिंप्लेक्स प्लस और वैंकस 540 का जो वीडियो दिखाया था उसके बारे में बताया था आपने, तो हमारे पिताजी बोल रहे थे कि इसका डाउट क्लियर करते हैं। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि कैसा डाउट लग रहा है, किस चीज़ का? दोनों मशीन में मतलब अंतर क्या है और दोनों मशीन किस तरीके से काम करती है? अच्छा, और मतलब डिफरेंट क्या है दोनों के अंदर में, और थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। और आपने वीडियो बनाया तो आप इसको वीडियो को यूट्यूब पर जरूर डाल दीजिएगा, तो हमारे पिताजी देख लें तो फिर क्या कहते हैं, मतलब आपका एक कंफ्यूजन है कौन सा लेना चाहिए, दोनों सेम प्राइस का है 40-40 हज़ार रुपए। हाँ दोनों सेम प्राइस है, और मतलब डाउट ये है कि सेम प्राइस है कंपनी अलग अलग लेकिन अच्छी कौन सी है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो सर एक्चुअली क्या है कि मशीनें अपनी अपनी जगह पे दोनों अच्छी हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया मेटल डिटेक्टर है और दोनों ही वर्ल्ड में नंबर वन जो है मेटल डिटेक्टर है। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत बढ़िया है या कहूँ कि सिंप्लेक्स बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो जो है ये सही नहीं होगा। मेरे लिए तो सर दोनों मशीनें बहुत बढ़िया हैं,
लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि फीचर्स फंक्शन अगर आप चाहते हो कि ज्यादा किस में हमें मिलेगा, ठीक है, हमें चलाने में कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, हम कौन से मेटल को जो है बंद करना चाहें, जैसे हमें कुछ मेटल्स को हम नहीं सर्च करना चाहते हैं उसको भी हम बंद कर सकूं, तो वो फंक्शन आपको किस किस में मिल सकता है, ठीक है, या कौन सी मशीन में आपको मिलेगा, आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। आप ऐसा ये डाउट है, देखिए मशीन तो लेनी है, आप कहीं और भी बात किए हैं क्या? नहीं सर, आपके आने के बाद तो हमें लगता नहीं हम कहीं और जाएं, क्योंकि आप इतने अच्छे समझाते हैं, कोई और ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका डाउट इसी यही था, क्योंकि जो है इनके पास जो मशीन होती है वही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं सर देखिए, जिस तरीके से आप समझा देते हो इस तरीके से कोई और समझा नहीं पाएगा, तो हम इधर उधर जाने से बढ़िया आपसे ही मशीन लेंगे। थैंक यू। बस थोड़ा सा यही है, देखो बड़ी मेहनत से 30-40 हजार रुपए कमाया जाता है, आप जानते हो किसान आदमी है, बिल्कुल और इतनी मेहनत का पैसा आप लगाए तो किसी अच्छी चीज में लगाए तो वो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है हमें पता चल गया ना कि आप कहीं और भी बात किए थे। नहीं सर, कहीं भी बात नहीं किया, लेकिन सर चलो कोई बात नहीं, किसान आदमी किस बात को, किसान आदमी बड़ी मेहनत से हमारा 1 रुपए जोड़ा जाता है, सही बात, और वो जोड़ने को 40 हजार रुपए अगर हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी मतलब समझ के पूरी जानकारी है। इसीलिए सर जो है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो है पिछला वीडियो में हमारा काफी रिस्पांस हमें मिला था, और हमारे जो है काफी जो व्यूवर्स हैं उनका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका। अभी भी हमारे पास कुछ कॉलें आती हैं सर, सिंपलेक्स बढ़िया है या बैंकर्स 540 बढ़िया है, तो आपका भी यही कंफ्यूजन था, तो आप इसीलिए सोचा जो है मैं इस वीडियो को शूट कर लूँ, ताकि जो है हमारे व्यूअर्स को भी पता चल सके, जो मेटल डेटर खरीदना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाए। तो आप जी सर जब देखो तक डाउट क्लियर नहीं होगा, सारी चीजें फाइनल नहीं होगी, तो वो सही बात है, तो मजा नहीं आएगा लेने में। मतलब हमने ले भी लिया और उसको ना ठीक से यूज कर पा रहे हैं, ना उसके फंक्शन पता है, तो उसका फिर ये मशीन क्या, कोई भी मशीन लेने का फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सिंपलेक्स और बैंक 540 में दोनों में डिफरेंट, और उसकी पूरी जानकारी ये लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बताता हूँ। देखो सर, मेरे पास तो सिंपलेक्स प्लस मेटल डिटेक्टर भी है, बैंकर्स 540 भी है, ठीक है, ये हमारे पास है बैंकर्स 540 मेटल डिटेक्टर, ठीक है, ये बैंकर्स 540 भी है और ये हमारे पास सिंपलेक्स भी है। ये मेरे पास तो सर देखो, हमारे पास सारी मशीनें होती हैं सर, हमें तो हर मशीन रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को हमारे पास काफी तरह की रिक्वायरमेंट आती है, जिसको जो पसंद आती है वो मशीन देते हैं। तो दोनों की कंपनी सेम ही होती है? नहीं सर, ये है नोक्टा माइक्रो कंपनी का है, अच्छा, मेड इन टर्की का है, इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, और ये है मेड इन ऑस्ट्रेलिया का, माल्यप कंपनी का है, अब इसमें आपको 3 साल वारंटी मिलेगी। पहला फर्क तो आपको वारंटी में मिल गया, ठीक है, इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। और कंपनी की अगर बात करें, कंपनी की जैसे बात करें, तो आप तो देखो सेल कर रहे हो और कस्टमर का रिव्यू मिलता है आपको, बिल्कुल, तो कंपनी में मतलब ये माइलेज ज्यादा अच्छी है, ये वाली। देखो सर, अपने अपने जगह मैंने आपको पहले बताया, दोनों मशीनें टॉप लेवल पे, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे फीचर्स फंक्शन जो है बढ़िया मिले, कि मैं अपने हिसाब से जो फंक्शन चाहूं बंद कर सकूं, जो फंक्शन चाहूं उसको चालू कर सकूं, ठीक है, वो अगर आप चाहते हो तो मैं कहूंगा कि बैंकर्स 540 में आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। हमें जैसा लोहा बंद करना है, लोहा बंद करना है, या जो सिलो फाइल होती है जिसमें हम खाना पैक करते हैं, रोटी पैक करते हैं, या दवाइयों की पन्नियां होती है, जो गुटके की पन्नियां होती हैं, उन सब चीजों को अगर आप बंद करना चाहते हो तो इसमें आप बंद कर सकते हो। इसमें भी बंद करने का ऑप्शन आता है, इसमें भी जो है आप देख सकते हो ये नॉच डिस्क्रिमिनेशन का फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा इजी इसमें आता है सर। अच्छा, ये चलाने में इजी होता है, ये सबसे इजी होता है, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा टेक्निकल काम, हाँ ठीक है, ये भी बिगनर मेटल डिटेक्टर है, फुल्ली वाटरप्रूफ मेटल डिटेक्टर होता है, ठीक है, और ये जो है ये इसका जो कॉइल कॉल होता है ना सर, ये प्लेट, ये वाटरप्रूफ होता है, ये आपको पानी से बचाना होता है। अच्छा, ये मशीनें अगर कोई जैसे भैया देखो, हम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं जी, बिल्कुल, मान लो कोई पढ़ा लिखे नहीं, 4th-5th पास है, तो क्या इसमें ये भी जरूरी है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मशीन चलाए कुछ भी नहीं आता, जो फोन भी चलाना नहीं जानते हैं, ठीक है, उनको भी मैं मशीन सिखा देता हूँ, मात्र आधे घंटे में जो है वो सीख जाते हैं सारा फंक्शन इसका। इसका एक क्या होता है ना, एक एक्सपीरियंस होता है, इसको आप जितना चलाओगे उतना आपको बढ़िया
मतलब इसके सारे फंक्शन आपको पता चल जाएगी। तो इसमें वारंटी वगैरह भी होती है, वारंटी गारंटी कुछ ऐसा कुछ? सब सब सर, इसमें आपको 3 साल वारंटी मिलती है, इसमें 2 साल की वारंटी मिलती है। तो वारंटी मतलब अगर इसमें कुछ खराब होता है तो इसमें पार्ट्स जो बदल जाएंगे उसका पैसा हमें देना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ सर, ये आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया। देखो माइलेब कंपनी क्या है कि वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है, ठीक है, और इसका जो है अभी इंडिया में ही सारा पूरा इसका सिस्टम है, क्योंकि बाहर से आउट ऑफ कंट्री कोई भी सामान मंगाओगे तो आने में कस्टम ड्यूटी वगैरह कोरियर चार्ज वगैरह लगाकर काफी महंगा पड़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मात्र आपको कोरियर चार्ज ही पे करने होते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है 3 साल की वारंटी होता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो जाता है, केवल कोरियर चार्ज आपको देने होते हैं। अच्छा अच्छा, इंडिया में रिपेयर हो जाता है? इंडिया में ही रिपेयर हो जाता है और कम टाइम में जो है आपकी मशीन आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो डिलीवरी चार्जेस कितना लग जाता होगा? मैक्सिमम मान सुना सर जो है 1500-2000 रुपए समथिंग, वो पैकेट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो खराब हो गया तो? जल्दी तो खराब होता ही नहीं है, क्योंकि 3 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है तो जल्दी खराब होता नहीं है, ना ये खराब होता ना ये खराब होता, ठीक है ठीक है। बाई चांस इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं तो कभी अगर हो भी जाता है तो दोनों ही मशीन वाटरप्रूफ है। हाँ देखो ये फुल वाटरप्रूफ है, इसको आप जो है पानी के अंदर ये मान लीजिए इसका अगर ये वाला हिस्सा भी पानी में चला जाएगा तो भी सेम है। हाँ ये IP68 सर्टिफाइड है ना, तो इस मशीन को जो है पूरे पानी के अंदर ले जा सकते हो, 10 फीट तक ले जा सकते हो, मतलब पूरी मशीन हम पानी के अंदर डुबो भी दे फिर भी कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस मशीन में क्या सर कि आपको ये क्वाइल होती है ना, ये पानी में जो आप डुबो सकते हो 3 फीट तक, इसमें आप देखोगे ना ये वाटर प्रूफ अप टू 1 मीटर, मतलब इसका ये जो ये वाला हिस्सा अगर ये डूब गया तो ये इसमें पानी चला जाएगा, इसमें सेल लगता है ना, इसमें इनबिल्ट होता है बैटरी, सिंपलेक्स में इनबिल्ट होता है, इसमें सेल लगता है, तो मतलब मेरा अगर आपको पानी में तो सर्फ नहीं करना है ना, फुल्ली वाटरप्रूफ लेना तो ये ठीक है। देखो अगर आप चाहते हो फुल वाटरप्रूफ, अगर आपको डाइविंग वगैरह करना हो पानी के अंदर, नदी के अंदर जाना हो आपको, ठीक है, अगर वो काम है, वैसे तो बहुत कम ना के मार्ग पे जाते हैं, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हो। अगर आपको मात्र 3 फीट तक का पानी के अंदर जाना है तब आप इसमें जाओ, वो इसलिए जाओ कि इसमें आपको 6 फीट तक डेप्थ मिल जाती है और इसमें आपको 5 फीट की मैक्सिमम डेप्थ आपको मिलता है, ठीक है। पहले आप ना जो सिंपलेक्स प्लस इसको अनबॉक्स करके दिखा दीजिए। जी देखो इसमें क्या है ना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक और खास चीज है, इसमें 11 इंच का डबल क्या क्या चीज मिलता है, ठीक है ठीक है। देखो जैसे अगर आप जाते हो इसमें वेंकस 540 में आपको हेडफोन मिल जाता है, ठीक है, और ये चार्जर है सेल चार्ज करने के लिए, सेल चार्ज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। सर किस टाइप का सेल है? ये नहीं, ये सेल नहीं है सर, ये सेल है, दिखाता हूँ आपको, ये सेल है, ये माइलेब को सेल देता है। और ये देखो ये सर ये रेन कवर है सर, ये एक्सेसरीज में सारी चीजें आपको मिल जाती है, रेन कवर है, जैसे बरसात में जो है मशीन भीगेगी नहीं, सही है, ऊपर का मतलब पानी वानी से सब कुछ डस्ट से बचाने के लिए सब इसमें आपको बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। ये यूजर मैनुअल और एनक्लोजर है, ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें कोई मतलब अगर हम को नहीं आता तो इसमें पढ़ करके चलाना भी सीख सकते हैं? सब मेरे टूजेट सर, नहीं आपको चलाना नहीं समझ आ रहा है, इससे नहीं समझ आ रहा है, मुझे कॉल करो सर, मैं आपको बता दूँ। देखो सर बार बार आपको कॉल करें वो भी अच्छा नहीं लगता, अगर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मुझे एनी टाइम कॉल करो सर, मेन तो हमारा ये है सर, सर्विस ही होता है मेन हमारा, ठीक है। अगर जो है सप्लायर जो सेलर होते हैं वो सेल कर देते हैं, सेल करने के बाद वो आपको फोन उठाना बंद कर देते हैं, आपसे बात भी सही तरीके से नहीं करेंगे, जब तक आप मशीन नहीं खरीदोगे, ठीक है, तब तक वो आपसे आपसे प्यार से बात करेंगे, जब आप खरीद लोगे तो जो है फिर आपको फिर कहेंगे सर मैं अभी बिजी हूँ वगैरह, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता सर, हमारे यहाँ मेन सेल होने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि आपको अगर मैं सर्विस सपोर्ट बढ़िया दे रहा हूँ, काफी वजन है इसमें सेल में, सर ब्रांडेड सेल है ना, देखो ना माइंड लैब का लोगो लगा हुआ है सर इसमें, अगर ये मान लो इसका सेल डाउन हो जाता तो कोई सा भी सेल लगा सकते हैं, ये सर रिचार्जेबल है सर, ये रिचार्ज हो जाता है, ये देखो ना इसमें लिखा हुआ रिचार्जेबल, रिचार्जेबल है ना, रिचार्ज करने के लिए चार्जर,
ये काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर। ये अच्छा, इसमें हेडफोन भी आपको मिल जाता है सर 40,000 रुपए में। आप वैसे तो 41,500 रुपए की आप आए हो, तो इसलिए मैं आपको 40,000 रुपए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेकर के जाएंगे तो 40 पड़ेगा। हाँ 40,000 रुपए। अगर हम अपने घर पर आए तो सर, घर तुम आओ तो मैं आपके लिए यही कर दूंगा, पूरी चार्ज फ्री कर दूंगा, ठीक है, इतना कर दूंगा आपको। लेकिन जब आप आए हो तो क्या जरूरत है, इसमें देखो क्या क्या आपको मिल रहा है, ठीक है सर। मुझे कोयले चाहे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो है मैं इसे मैं ही कर दूंगा। इसके कॉइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है सर, डबल डी प्लेट है सर, 12 इंच का है ये, डबल डी प्लेट, ठीक है, ये देखो बहुत ही पावरफुल कॉइल होता है। कितने इंच का? 12 इंच का है। तो इसके अंदर कुछ क्या होता है? इसके अंदर कॉपर की वायर लगी होती है, कॉपर की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है। कुछ मैग्नेटिक सिस्टम भी होता है, मैग्नेटिव सिस्टम जैसे कि मतलब वो कैच करता है, वो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है ना सर, इसके मशीन के अंदर, इसके तो ट्रांसमीटर इसके अंदर तो कॉपर की वायर होती है, मशीन में जो है ना, इसमें जो ट्रांसमीटर रिसीवर लगे होते हैं मशीन के अंदर, हाँ वो जो है कैच करता है ना मेटल्स को। इसमें ये सारा सामान इसमें आपको मिल जाता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ सर, उसमें क्या दिखा देता हूँ। मुझे ये काफी अच्छा लगा आपका कि आपकी मशीन बिल्कुल सेफ रहेगी, धूल मिट्टी से बचेगी, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी सर। इसका स्क्रीन पर आपने ट्रांसपेरेंट जो ये पॉलिथीन लगी हुई थी प्लास्टिक का, ये काफी अच्छा है क्योंकि इसमें हम अपना पूरा फंक्शन देख सकते हैं। और क्या सर, इसीलिए तो सर जो है ये सब चीजें जो है बढ़िया है, इसमें एक्सेसरी वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाती है इसमें, तो काफी चीज। अब इसको आप ओपन करके देखिए, इसमें देखते हैं क्या इसमें दिखाता इसमें सर आपको जो है मशीन मिल जाती है, ठीक है सर। इसके अंदर सर इनबिल्ट होता है बैटरी, इसको आप एक बार चार्ज करते हो तो 12 से 15 घंटे का छोटा सा लगा, तो ये ओपन है, ये ऐसा नहीं है सर, इसके अंदर भी ये भी है ना, ये स्टिक वगैरह सब रहता है ना। ये देखिए एक बार मुझे पूरा मतलब किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो भी आप मुझे सिखा दीजिए। ये सारा चीज लगी होती है ना इसमें, ये क्योंकि फिर मैं आपको बार बार फोन करूंगी भैया इंस्टॉल कैसे होगा या फिर इसको ओपन कैसे चलेगा कैसे, तो मुझे एक बार बिगिनर हूं मैं, थोड़ा मेरे को बता दोगे आप बिल्कुल तरीके से इंस्टॉल होगा। ये भी 11 इंच का डबल डी प्लेट होता है, ठीक है, ये भी 12 इंच का है, देखो इसमें कितना बड़ा, ये देखो ठीक है, देख रहे हो ना ये कितना बड़ा है, है ना। ये बार सर मेरे को बस इंस्टॉल करके बता दीजिए ताकि मैं इंस्टॉल कर दूं, थोड़ा काफी आसान है। सबसे आसान है सर इंस्टॉल करना, मैं आपको स्टार्ट करता हूं। ये मान लीजिए मशीन, ये ऊपर का हिस्सा है पूरा, मैं दोनों असेंबल करके आपको दिखा देता हूं। दोनों असेंबल दोनों का सेम होगा या अलग-अलग प्रोसेस होगा? दोनों वैसे ही है सर, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है असेंबल करना, सबसे आसान है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है चलाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो या संपर्क करने में डिफिकल्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ इसको ऐसे लगा लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ये चीज है इसको भी। ये वायर जो है इसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये वायर लगाने में कुछ इसमें यूजर मैनुअल है सर, इसमें जो यूएसबी केबल चार्जिंग वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन इसमें हेडफोन नहीं मिलता सर। अगर हेडफोन लेते हो तो जो है वो 5,000 रुपये उसका चार्जेस बढ़ जाता है। ये फुल्ली वाटर प्रूफ है? हाँ ये फुल्ली वाटर प्रूफ। इसकी डेप्थ क्या होगी? 5 फुट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5 फुट। हाँ इसका मिनिमम तो सर जो है देखो और वो 2 फीट भी या 3 फीट भी हो तो बिल्कुल क्लियर बताएगा? नहीं ऐसा नहीं होता सर, देखो अगर 10 रुपए सिक्के का पता होता, अगर कोई मेटल है जमीन के अंदर रखा हुआ है तो बहुत ज्यादा सर 1 फीट या 1.5 फीट मैक्सिमम सिक्के के साइज का अगर होगा तो 1-1.5 फुट से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं बताएगा, ठीक है। अब मान लो कोई घर की कटोरी होती है यूज करने, लोटा जो भी मान लीजिए तो वो कितना, मैं आपको साइज बता देता हूँ। देखो हमारे पास जो है हर मेटल से रखे हुए, देखो साइज दिखाता हूँ,
जैसे मान लो अगर इतना बड़ा, ये भी कटोरी है, कटोरी में बहुत तरह के कटोरी मिल जाती है, ठीक है। अब इतनी बड़ी कटोरी है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा 2 फीट तक बताएगी मशीन, उससे ज्यादा नहीं बताएगी, ठीक है। ये भी 2 फीट तक ही बताएगी, मान लो जो है ये, अगर ये इतना बड़ा अगर साइज रहेगा तो मान लो जो है 2.5 फीट या 3 फीट तक जो है इसको बता सकता है, ठीक है। ये जो है 3 फीट तक का आराम से इसको कैच कर देगा। अब मान लो जो है कोई 5 फीट तक कोई मैटर से रखा हुआ तो इतना बड़ा साइज होना चाहिए, ठीक है। अगर 1x1 फीट से थोड़ा बड़ा मैटर से तो आराम से 5 फीट तक का कैच कर लेगा, ठीक है। इसका आप मुझे बिल दोगे पक्का? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल मिलेगा, सर बिल मिलेगा। और ये जैसे इसको हमने असेंबल कर रखा ना बैंकर्स 540, ये तो 440 है, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम बैंकर्स 540 भी असेंबल कर सकते हो, इसको भी आप छोटा कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो, बहुत ही लाइट वेट है, बढ़िया मशीन है, सेम ऐसा ही है, देखो ना ये। अच्छा सर, इसमें डेप्थ आपने बताई 5 फुट तक मिल जाएगी? हाँ, इसमें डेप्थ 5 फुट तक मिलेगी। और वैक्यूस 540 में कितनी डेप्थ मिलेगी? इसमें 12 इंची की डबल डेप्थ लगेगी ना सर, तो इसमें जो है आपको 6 फुट तक डेप्थ मिल जाती है। अच्छा, इसमें 5 फुट तो इसमें 6 फुट तक की डेप्थ मिल जाएगी। जी जी। तो नीचे का हिस्सा वाटर प्रूफ है उसका? हाँ, और क्या सर, ये पूरा कॉइल वाटर प्रूफ। आपको पानी के अंदर सब नहीं करना है कि पानी के अंदर जाकर ही देखो, गड्ढे में अगर थोड़ा बहुत पानी है तो अगर डाल के देखेंगे तो 3 फीट तक आप खुद ही इसको ले जा सकते हो, डाल करके देखेंगे, मशीन का तो कोई मतलब नहीं। तो इसके फीचर भी आपने मुझे सारे समझा दिए हैं सर। देखो इसके फंक्शन फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, इसके गत्ते पे लिखा हुआ दिखाता हूँ, कर देता हूँ। ये ऐसा मशीन है ना सर, देखो इसमें क्या है कि इसमें आप कॉइन रेली ज्वेलरी और कस्टम यानी अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें जो है फील्ड पार्क और बीच हंटिंग का है, ये ऑल मेटल, ऐसे को सब पकड़ के रखते हैं, ऑल मेटल फील्ड पार्क और बीच का 4 मोड इसमें भी है, 4 मोड उसमें भी है, ठीक है सर। ठीक ठीक। तो दोनों में सेम जो है आपको मिल जाते हैं, भी लोहा बंद करना है या पेपर्स वगैरह बंद करना, मतलब पन्नी वगैरह, ये उसमें भी सेम ऑप्शन है ये। हाँ, इसमें बंद कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है कस्टम का जो फंक्शन दिया गया है ना, ये फंक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, कस्टम का। हाँ, ठीक है। तो कस्टम के फंक्शन जो स्पेशल, इसमें इसमें क्या है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, क्या सर्च करना है, क्या बंद करना है, ठीक है। और इसमें ये भी है सर, ये मल्टी IQ टेक्नोलॉजी का है, ये VLF फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये 12 kHz की फ्रिक्वेंसी भी है, मल्टी IQ टेक्नोलॉजी है सर, ये सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेड जो है टेक्नोलॉजी होती है। इसमें आप देख सकते हो सर, ये देखो ऑल मेटल्स ऑल सॉइल ऑल द टाइम, मतलब इस मशीन को जो है किसी भी सॉइल पे आप इसको चलाओ, किसी भी टाइम चलाओ, सर्दी गर्मी से इससे कोई लेना देना है, ठीक है। जी सर, ये मशीन नीचे रखते हो, मुझे थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, इसके नीचे ये है सर जो है, इसको सर मुझे थोड़ा इंस्टॉल कर देना, इसको दिखाता हूँ सेम ऐसे ही है सर, इंस्टॉल करके दिखा दूंगा आपको सर, एक बार दिखा दो तो थोड़ा आपको दिखना दो। अरे मैं भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अरे आपको परेशानी ना हो तो, नहीं तो फिर आपने वीडियो बनाया कोई भेजी हुई है? अरे नहीं नहीं, वीडियो तो हमने बना रखा है, जब आप इतनी दूर से आए हो तो हमें असेंबल करने में कितनी कितना टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सर हो जाता ना अगर फेस टू फेस थोड़ा देख लो, अगर फिजिकली अगर जो चीज देखी जाती है सही बात, उसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है, बिल्कुल। वो फिर हम वीडियो देखते रहेंगे ना, वीडियो में फिर पागल हो जाएगी देखते देखते, लेकिन जो फाइन सामने की चीज है वो उसकी बात कुछ अलग है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। असेंबल करने में ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता सर, बस इसको जो है आराम से इसको लगाइए, जो दबड़ लगी हुई है ना ये आपस में सुराख मैच कर लीजिए, सुराख जो है जैसे कोई नट बोल्ट डालते हैं किसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, इधर इधर कोई बोल्ट वगैरह नहीं लगता, कोई बोल्ट नहीं लगता, इसी के अंदर ही मतलब पूरा चूड़ी वगैरह बनी होती है, बोल्ट जिसमें अलग से कुछ नहीं लगता, ये देखो, ठीक है। असेंबल करने में सबसे ईजी है, ये इसमें ये लॉक है ना सर, लॉक है, ये ऐसे मिलेगा अगर हमको ऐसे करना है। हाँ हाँ, ये वो एक्चुअली क्या है ना, वहाँ से रुकता है ना, तभी तो टाइट रहती है, ये सेम ऐसे इसमें भी है। हो गया, हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है सर,
इस वायर को बस इसको जो है ना ऐसे रब करना दिखाता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ ना, क्योंकि कोई कोई कस्टमर जो है ना इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं, रैप नहीं करते हैं। इसमें देखोगे ना एक कट बना होता है, एक कट ये ध्यान से जो है इसमें लगाइएगा, इसको घुमाना कट से कट मैच होना चाहिए, मैच करना चाहिए, इसमें बना होता है। ठीक है, ये देखो ना इसका बेड देखो सर, और सिंपलेक्स का बेड देखो दोनों का, इस तरीके से रखो। हाँ ये तो इस तरह हमें मतलब जो हम इसको सर्च करेंगे तो ये ऊपर ऐसे ले करके जाता है कि मतलब ये थोड़ा इस तरीके से बिल्कुल लेवल नहीं नहीं, आपको चलाना कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको टाइट खड़े होना है। ठीक है, बिल्कुल। और जो आपका कॉइल है ना वो जमीन के लेवल से बराबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसे रहे ऐसे रहे। ठीक है, लेवल होना चाहिए, जैसे मंथ में हमारा एक खेत है। ठीक है, तो कॉइल हमारी जो है बराबर होना चाहिए। तो और आप टाइट रहोगे तो आपको पैर का डिस्टेंस और कॉइल का डिस्टेंस जो है लगभग एक से डेढ़ फीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर जो है आपको ऐसे मूव करना है, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे करोगे इस तरीके से नहीं, हाँ उसी लेवल पे आपको चलाना है। ठीक है, तो जो है आपको प्रॉपर और बढ़िया जो है आपको सिग्नल मिलेगा और डेप्थ भी जो है ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मशीन और इसमें डेप्थ भी मुझे ज्यादा मिल रही है और वाटरप्रूफ आदमी ये दो से ढाई फुट इतना ही, अगर हम ये आप इसको डंडे को बढ़ा दीजिए ना, आप जितना चाहो उतना आप कर सकते हो ना, तीन फुट तक मतलब हमें डेप्थ मिल जा रही है वाटरप्रूफ, सिर्फ यही तो नहीं है वाटरप्रूफ, सिर्फ हमें ये बचा पानी के अंदर थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे तो फाइनली डिसाइड मेरा यही है, इसमें आपको 3 साल वारंटी भी मिल जाए सर, वो सारी चीजें आपने बताई भी हुई है, और अगर कोई दिक्कत भी होती है तो आप कॉल करेंगे आपको, आप पिकअप तो तुरंत करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तुम मेरा ये मशीन पैक कर दीजिए और पेमेंट सर आप मेरे पास कैश तो है, पेटीएम या फोन पे इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो सर, फोन पे पेटीएम गूगल पे सब चलता है हमारे। तो ठीक है सर, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ, इसको पैक करिए जी, मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा है तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ अभी, और आप इसको फटाफट पैक करवा दीजिए क्योंकि अभी समय ज्यादा हो गया है और मुझे वापस जाना है तो मेरे को घर पहुंचने में लेट हो जाएगा, तो आप मैं आप एक बार मेरे को नंबर बता दीजिए अपना फोन पे पेटीएम का, और मैं अभी आपको इसकी पेमेंट कर देता हूँ फाइनल। ठीक सर, आपको पेमेंट हो गई होगी, देखो मैंने पेमेंट कर दिए, आ गए पेमेंट। ठीक है सर, ठीक है, तो आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तो आप इसको पैक करवा दीजिए, दर्शकों को क्या बताओगे सर जो अगर प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, सब बताना चाहेंगे आपको। तो दोस्तों हम संजय जी के पास से ये मशीन लेकर के जा रहे हैं, और इनका जो रिस्पांस है कॉल वगैरह अगर हमके पास आते हैं तो इनका कॉल रिस्पांस काफी अच्छा है और तुरंत रिप्लाई देते हैं, और अगर आप ये कुछ कोई भी मशीन मैटेरियल लेना चाहते हो तो इनसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, और काफी अच्छा समझाते हैं, और कोई भी डाउट हो तो इसको कोई भी मतलब बेझिझक ये बताते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, मेरा ये जल्दी से पैक करवा दीजिए, बस बस हो गया।